रियासत कर्नाटक में कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस और कभी जेडीएस, हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन रियासत भर में हजारों की तादाद में आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स की हालात में तब्दीली नहीं आई। उनके एहतजाजात तकरीबन 2017 से चले हैं और आज 2022 में भी उनकी शिकायतें ही रही हैं। आज दारुल हुकूमत बेंगलुरु में रियासत भर से तकरीबन 12,000 आशा वर्कर्स ने शहर के फ्रीडम पार्क में पुरजोर एहतजाज किया। उनकी मुतअद्दद मांगे हैं। उनका कहना है कि उनकी मेहनत का मुआवजा उन्हें नहीं मिल रहा है। आइए हम उनसे बात कर रहे हैं, इन आशा वर्कर्स से, कि उनकी क्या मांगे हैं और हुकूमत की जानिब से क्या जवाब दिया जा रहा है। प्रॉब्लम्स तो बहुत से है सर, क्या बोलना है। अभी महंगाई तो ज़्यादा हो गई है, सब चीज़ें ज़्यादा है। अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर, परेशानी है। अब इस महंगाई में जीवन ये करना परेशानी है। तो हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को सीधा पेमेंट नहीं आता। हमारा पेमेंट 4,000 फिक्सड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इधर से स्टेट गवर्नमेंट से इंसेंटिव के तौर पर देता है। तो एक एक लोगों को आता है, एक एक लोगों को भी नहीं आता है। इसलिए हम लोगों को बहुत परेशानी हो गई है सर, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। फीस भरने के लिए प्रॉब्लम है, फूड चलाने के लिए, करने चलाने के लिए प्रॉब्लम है, खाने के लिए भी प्रॉब्लम है। सो कैसे संभालना है। सो अभी एग्जाम्स के लिए बहुत लोगों बच्चे एग्जाम्स को नहीं बैठा है। राज्य सरकार से 4,000 फिक्स पेमेंट आता सर, और केंद्र सरकार से नॉन एम्प्टी टेस्ट 2,000 आता, और RCS पोर्टल बोल के निकाले, इसमें जो सेव करते ना ANC PNC बच्चों को मिजल दिया, सो ये पूरा नहीं आ रहे। एक 10 ANC हुआ तो उसमें 2 ANC के पैसे आ रहे, तो 8 का पैसे कहाँ जा रहे। ये आशा लोगों को लॉस हो रहे। कई लोग आशा सिंगल है, डिपेंड इसके ऊपर, ये आशा काम के ऊपर ही डिपेंड है ना, इसको भी यार बहुत घर चलाना मुश्किल है, और बच्चों का फीस है, सब फ्यूचर है ना हम लोगों को भी, सबके कैसा सपना रहता ना, हम लोगों को वैसा सपना है ना सर, वो भी पूरा करना, उसलिए हमारे को परमिट करो बोल के हमारा मांगे है। फिर हमारा मांग है स्टेट गवर्नमेंट अभी तक 2017 से अभी तक एक पोर्टल लॉन्च किया है, RCH पोर्टल। इसमें हमको अमाउंट अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। हम 10,000 का काम कर रहे हैं, फिर हमको मिल रहे हैं 2,000 3,000, इस तरह हमको मिल रहे हैं। सो अभी हम सरकार को पूछ रहे हैं, ये नष्ट हम क्या 2017 पे नष्ट क्या हुआ हमको, ये सभी RCH पोर्टल में नष्ट का भरना है, अभी बैकलॉग भरना है, ये हमारा फर्स्ट डिमांड है। और हमारा इंसेंटिव स्टेट पे आते हैं और सेंट्रल पे भी आते हैं। सो स्टेट पे 5,000 फिक्स्ड पेमेंट है, और इंसेंटिव बेस में सेंट्रल पे आ रहे हैं। सो एक एक काम के लिए 50 रुपीज़ तक 300 रुपीज़, यही हमारा मैक्सिमम है। सो वो सभी जोड़ना है, एक एक बार एक एक मिल रहे हैं हमको। सो मंथ में सभी जोड़ कर वंस दे शुड गिव, एक साथ में देना है। यहाँ पर ये मिनिस्टर फॉर फैमिली एंड वेलफेयर के कमिश्नर आए थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? सभी लोग उसको पूछ रहा था, हमारा डिमांड्स है 2017 से हम आपको पूछ रहे हैं, और यूनियन की तरफ से हम उसके पास गए हैं और सब डेटा हम उसको दिए हैं। सो ये तो ये प्रॉब्लम्स न्यू नहीं है उसको। सो वो बोल रहे सब डिमांड्स अब हम नहीं पूरे करेंगे, इधर डिस्कस करने के भी टाइम नहीं है। सो एक डेट आपको देंगे, 26th वो डेट दिया है। सो हमारा साथ एक डिस्कशन हो रहा है, सब प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन हो रहे हैं, उसके बाद क्या होना है देखना है। सो फ्यूचर मूवमेंट होना है और नहीं, वो मीटिंग के बारे में आप वी विल टेल टू द पीपल। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।